Hey guys, today match is in Namibia versus UAE. UAE win the toss and elected to bat first. Series ICC T20 World Cup session, those are 22 or 23. Match number 1836. UAE फर्स्ट टू बैट, तो यूए की जाने से पहले बैटिंग की गई। यूए ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। यूए की जाने से मोहम्मद वसीम ने, विराटिया, राविंड ने, रिजवान ने, अली शान शराफू ने, बासिल हमीद और रिजवान जो कि नॉट आउट रहे। रिजवान कैप्टन है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे पहले आए मोहम्मद वसीम, जिसने बनाया 41 गेंदों पर 50 रन, इसमें एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 121 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए। उसके बाद आए रेविंड आए, उसके बाद जो के 32 गेंदों पर 21 रन बनाए, दो चौकों की मदद से 65 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए। मोहम्मद वसीम को आउट किया शकिंगो ने और स्कोलिड्स ने आउट किया रेविंड को, जो के 32 गेंदों पर 21 रन बना सके। रिजवान जो के ओवरऑल मैच में नॉट आउट रहे हैं, 29 गेंदों पर बहुत ही ज़बरदस्त रन बनाए 43, जिसमें एक छक्का और तीन चौकों की मदद से 43 रन कंप्लीट किए और 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल कर गए हैं। आलीशान शराफू जो के डेविड वाइसा ने उसको आउट किया, चार गेंदों पर चार रन बनाए और 10 मिनट खेल कर गए ग्रीस पर और 100 का पूरे स्ट्राइक रेट के साथ। बासिल हमीद और मोहम्मद रिजवान जो के नॉट आउट रहे, बासिल हमीद ने बनाए 14 गेंदों पर 25 रन, जो के 13 मिनट ग्रीस पर मौजूद रहे, दो चौके और दो छक्कों की मदद से 178 के स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल कर गए हैं। और दूसरा यूए की जाने से जिन्होंने बैटिंग नहीं की, यान अफजल खान, फाहद नवाज, अहमद रजा, जुनेद सदीक और जहूर खान, जिन्होंने बैटिंग नहीं की। पहली विकेट गिरी यूए की 39 रन पर, जो कि 9वें ओवर की पहली गेंद थी। दूसरी विकेट गिरी 97 पर, जो कि 15वें ओवर की आखिरी गेंद थी। तीसरी विकेट गिरी 113 पर, जो कि 17वें ओवर की आखिरी गेंद थी। और अगर बात करें तो नामीबिया की जानिब से पहले बॉलिंग की ट्रम्पिलेन मैन ने, जो कि 4 ओवर में 22 रन दिए। अलबक 5 की इकोनॉमी रेट से डेविड वैसा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 4 गेंदों पर 27 रन दिए, एक विकेट हासिल की। स्कॉल्टर्स ने 4 ओवर में 22 रन दिए, एक विकेट हासिल की। जे स्मिथ ने 4 ओवर में बहुत ही एक्सपेंसिव रहे आज के दिन, 39 रन दिए और 0 विकेट हासिल की। जैन फ्राइलिंक ने 3 ओवर में 30 रन दिए, 0 विकेट हासिल की। बेन शकिंगो ने 1 ओवर में 8 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अलबक 8 की इकोनॉमी रेट से रन दिए, फ्राइलिंग ने 10 के इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं और जे स्मिथ की बात की जाए तो 9.75 के इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो नामीबिया की बात की जाए तो माइकल वैन लिंगन ने, जो कि इस तरह यूए ने टारगेट दिया है 148 रन बनाए और 149 रन का टारगेट दिया। उसके मुकाबले में अगर बात करें हम नामीबिया की बैटिंग लाइनअप की तरफ से, माइकल वैन लिंगन ने जो कि 8 गेंदों पर 10 रन बना सके, एक चौके की मदद से 125 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल कर गए, जिसको आउट किया बासिल हमीद ने, शराफू ने और स्टीफन बैरड ने, जो के 6 गेंदों पर 4 रन ही बना सके, एक चौके की मदद से, जो के जुनेद सदीक ने आउट किया। अहमद रजा ने उसका बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा। बासिल हमीद की बॉलिंग पर शराफू ने बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा। जैन निकल लोफ्टी ईटन जो के 6 गेंदों पर 1 रन बना सके, 16 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल कर गए। बासिल हमीद ने गेंद दूसरी विकेट ली, LBW उसको आउट किया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जरहेड अरास्मस जो कि 18 गेंदों पर 16 रन बना सके, मी यापन ने उसको आउट किया, जो कि दो चौकों लगाकर आउट हो गए। इसमें से आगे बात करें अगर जे स्मिथ की, जो कि रन आउट हुए बहुत ही बुरे तरीके से, अहमद रजा ने थ्रो की और मी यापन ने उसको आउट किया, जो कि 3 गेंदों पर 3 रन बना सके। और इस तरह नामीबिया की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई और कुछ ज़्यादा देर ग्रीस पर ना ठहर सकी और एक दफ़े बाद दूसरी विकेट नामीबिया गिरती रही और इस तरह ये यूए ने मैच जीता नामीबिया के साथ। और अगर बॉलिंग साइड की बात की जाए तो वो बासिल हमीद ने 2 विकेट ली हैं और अब तक की बात की जाए तो जुनेद सदीक ने 1 विकेट ली है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की यूए की जानिब से, तो यूए ने ये मैच जीता है। मैच नंबर है ये 10 ICC T20 वर्ल्ड कप राउंड 2 में क्वालिफाई करने के लिए। तो वीडियो को दिल से कीजिएगा लाइक, थैंक यू। दूसरी जानिब यूए की बैटिंग लड़खड़ा गई, जो कि माइकल वैन लिंगडन लिंग
डंगल ने 10 स्कोर बनाए, स्टीफन बैरेट ने 4 रन बनाए, निकल लोफ्टी ईटन ने 1 रन बनाए, अरिसमस ने 16 रन बनाए, जे फ्रिंगलिंग ने 14 रन बनाए, जे जे स्मिथ ने 3 रन बनाए, डेविड वीसा ने 20 रन बनाए, जे हो गए नॉट आउट रहे, जैन ग्रीन ने 2 रन बनाए और रूबिन ट्रम्पलिन जो कि अभी ग्रीस पर मौजूद है। उसके बाद बासिल हमीद ने 3 ओवर में 17 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, जुनेद हमीद ने 3 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और जहूर खान ने 3 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और रियान अफजल खान ने 2 ओवर में 7 रन दिए। दूसरी जानिब से अगर बात की जाए तो नवेबिया और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान, तो ये यूनाइटेड अरब अमारात ने ये मैच जीत लिया है, यूनाइटेड अमारात ने ये मैच जीत लिया है। तो पहले यूनाइटेड अमारात ने बॉलिंग बैटिंग करने का फैसला किया, बैटिंग करने के मुकाबले में यूनाइटेड अमारात ने 148 रन बनाए जो कि 149 रन का हदफ दिया। उसकी जानिब नवेबिया की टीम लड़खड़ा गई और जो कि यूए के बॉलर के सामने टिक ना सकी, यूए की जाने से बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई, बैटिंग के बाद यूए की जाने से बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही जो कि मोहम्मद वसीम ने 41 गेंदों पर 50 रन बनाए और रिजवान ने 29 गेंदों पर 43 रन बनाए। बासिल हमीद की भी बहुत ही अच्छी बैटिंग रही, खेली तो थोड़ी गेंदें बट फिर भी बहुत अच्छे रन किए। इस तरह यूए ने ये मैच जीत लिया। पहले मैच में देखा था कि आपने श्रीलंका ने क्वालिफाई किया था और इस मैच में मुझे लग रहा है यूए क्वालिफाई कर चुकी है। अभी देखना होगा यूए ने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया, फिलहाल ये यूए मैच जीत चुकी है तो यूए ने इस तरह ये मैच जीता। आप वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे बात कहूँगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लगे बेल आइकन को कर ले प्रेस ताकि आपके पास तमाम आने वाले ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो हो सके। थैंक यू।